सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 1 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। It has taken from the subject social science and we will learn and understand the topic diversity around us in this worksheet. So students, what is the meaning of diversity? Diversity ka matlab different things. Har cheez mein difference hona. Jaise ki aap dekhte hain ki India is a big country. और इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, जैसे सीजन्स आप देखते हैं, कभी समर सीज़न होता है, कभी विंटर होता है, कभी रेनी सीज़न होता है। इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन पीपल रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हैं और बहुत अलग अलग ड्रेसेस भी पहनते हैं। तो ये सारी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है और ये हमारे आसपास सब जगह हमें देखने को मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट वी डू एन एक्टिविटी टू डू समथिंग। In the picture given below, coming up from the bottom, fill the violet color, indigo color, blue color, green color, yellow color, orange color and red color respectively. It will become a beautiful rainbow. आपको करना क्या है कि इस पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें बॉटम से ऊपर की ओर आते हुए, टॉप की ओर आते हुए आपको जो कलर्स दे रखे हैं उसी ऑर्डर में इन कलर्स को फिल करना है, तो ये एक बहुत ही सुंदर रेनबो बन जाएगा। सो लेट्स फिल द कलर इन दिस ब्यूटीफुल रेनबो। सो हेयर इट इज अ ब्यूटीफुल रेनबो। देखिए मैंने तो बहुत ही गंदे कलर किए हैं, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से कलर कीजिएगा और बहुत सुंदर सा रेनबो बनाइएगा। देन क्वेश्चन इज विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट इन दिस रेनबो। आपको कौन सा कलर इसमें सबसे अच्छा लगता है। डू ऑल द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली ऑल्सो लाइक दिस कलर, फाइंड आउट। अब आपको करना क्या है कि आपको ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये पता लगाना है कि क्या जो आपकी फैमिली के सभी मेम्बर्स हैं वो भी इस कलर को अच्छा मानते हैं या उनकी भी पसंद यही है। जैसे मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है, लेकिन डू ऑल द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली ऑल्सो लाइक दिस कलर, नो, आई थिंक नो, क्योंकि सबकी पसंद एक जैसी नहीं हो सकती। नाउ लेट्स डू एन अनादर एक्टिविटी। सो वॉट इट इज एक्टिविटी, डिस्कस विद ऑल द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली एंड फिल द टेबल गिवन बिलो। हेयर द टेबल 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी मेम्बर्स आपके घर में हों आप उतनी टेबल बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेजनरी टेबल फिल कर रहा हूँ कि किसी परिवार के नाम से मैं कर रहा हूँ। जैसे नेम ऑफ द मेम्बर्स, मान लीजिए हम नाम रख देते हैं, फादर के नाम से शुरू करते हैं, दीपक। फेवरेट स्पोर्ट उनका शायद क्रिकेट हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिज्यूम कर लेते हैं। फेवरेट फूड उनका क्या हो सकता है, पूरी आलू। फेवरेट बुक्स उनकी स्पोर्ट बेस्ड हो सकती हैं, और फेवरेट क्लोथ्स उनके कुर्ता पजामा हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से फिर एक और मेंबर का नाम लिख दिए, मान लीजिए हम मदर के नाम के लिए लिख देते हैं कविता। उनका जो फेवरेट स्पोर्ट्स हो सकता है वो हो सकता है टेनिस हो, ठीक है। उनका फेवरेट फूड जो है राजमा चावल हो सकता है। फेवरेट बुक्स जो हैं वो फूड रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दें फूड रिलेटेड हो सकता है, फूड बेस्ड हो सकती है। अच्छा, और उनका जो फेवरेट क्लोथ वो साड़ी हो सकता है, साड़ी। इसी तरह से आपको यहाँ पर पूरी इस टेबल को भरना है। फिर
इसी के ऊपर बेस एक और अनदर क्वेश्चन इज, डज एवरीबॉडी हैव द सेम टाइप ऑफ लाइकिंग? क्या सभी की लाइकिंग सेम हो सकती है या है आपके घर में? आई थिंक इट वुड बी नो, नहीं, इट कैन नॉट बी नो, क्योंकि सबकी पसंद एक जैसी नहीं हो सकती. देन अनदर क्वेश्चन, लिस्ट द मेन क्लोथ्स ऑफ एनी फोर स्टेट्स ऑफ आर कंट्री. अब आपको क्या करना है कि अपनी कंट्री के, हमारे इंडिया जो हमारी कंट्री है उसके फोर स्टेट्स के बारे में लिखना है, उनकी मेन ड्रेस क्या है और वो दिखते कैसे हैं. या तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हैं. सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. तो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर पर हम लिख देते हैं पंजाब. वहाँ की मेन ड्रेस जो है, जो लेडीज़ हैं वो सलवार कुर्ता पहनती हैं. क्या पहनती हैं? सलवार कुर्ता. और ये मैंने उसकी पिक्चर भी पेस्ट करने की कोशिश की है. आप भी कोई भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ भी कर सकते हैं. सेकंड इज राजस्थान. राजस्थान. अब यहाँ की जो ड्रेस है वो कौन सी होती है? जो फीमेल्स होती हैं, विमेन होती हैं, वो घाघरा, कुर्ती पहनती हैं, ठीक है. और जो मेन होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं. तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये वो भी पिक्चर पेस्ट करी है, ये राजस्थान की ड्रेस है. नेक्स्ट इज गुजरात. गुजरात में लोग कैसी ड्रेस पहनते हैं? वहाँ जो फीमेल्स हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं. घाघरा चोली. देखिए, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर अरेंजमेंट किया है और यहाँ पर पेस्ट की है. आप देखेंगे तो ये जो लेडी है वो घाघरा चोली पहन के डांस कर रही हैं. एंड फोर्थ एग्जांपल हो सकता है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, ठीक है. वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं. और देखिए, ये जो पिक्चर है ये उसी के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने साड़ी पहन रखी है. दस वी सॉ दैट बी इट अ फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस अ कंट्री और नेचर वेरिएशंस आर फाउंड एवरीवेयर. देखिए, यहाँ तक कि हमने देखा कि एक फैमिली में जो कि एक ही हाउस में रह रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर डिफरेंसेस मतलब वहाँ पर डाइवर्सिटी है, लोगों की अलग अलग सोच है, लोगों की अलग अलग पसंद है. इसी तरह से जो हमारी कंट्री है, नेचर है, सब में वेरिएशंस हम हर जगह हमें मिलते हैं. दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. अब आपको समझ में आया कि इसी वेरिएशन को हम डाइवर्सिटी कहते हैं. आपकी अपनी क्लास में भी तो होगा ना, आप देखिएगा, कोई बड़ी हाइट का बच्चा है, कोई छोटी हाइट का बच्चा है ना. तो ये क्या है? सारी डाइवर्सिटी है. विच शोज द फीचर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी, जो कि अलग अलग चीज़ों को, सोसाइटी को दिखाती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए और मेरे साथ आसानी से इसी तरह वर्कशीट को समझते रहे. लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है. सो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली और अपनी बारी आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.